देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां बेहतरी के लिए कार्य कर रही है, वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय की गाड़ियों से जहां पत्नी और बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने का काम किया जा रहा है, वहीं पिछले दिनों सहरसा के प्रिंसिपल जब एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे तो प्रभारी कुलपति और उनके पुत्र उन्हें देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां पुत्र खड़ी गाड़ी में घंटों एसी चलाकर आराम फरमाता नजर आया था। वहीं कैमरे पर नजर पड़ने पर गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया। वहीं ड्राइवर के द्वारा गाड़ी बंद कर दिया गया था। वहीं इस मामले पर जब बिहार सरकार के कृषि मंत्री के प्रभारी कुलपति के द्वारा सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग दंडित होंगे। वहीं देखने वाली बात है कि ऐसे लोगों पर मंत्री जी कब तक कार्रवाई करते हैं। ये हम जानकारी में अभी आया है तो उसके लिए हम बिहार सरकार से बात करके और उसको करेंगे। प्रभारी कुलपति जो है उनका पूरा परिवार जो सरकारी गाड़ी यूज करता है, जो लोग करेंगे दंडित होंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।